डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस इन स्पेस। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर और पार्सेक के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे कि भाई ये सभी यूनिट्स तो हम स्पेस में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपको इन तीनों यूनिट्स के बीच का डिफरेंस पता है? आखिर हमें स्पेस की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स की क्या जरूरत होती है? ये अलग अलग यूनिट्स आई कहाँ से हैं? इनके पीछे की स्टोरी क्या है और इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। अब इससे पहले कि मैं आपको यूनिवर्स की बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस के बारे में बताऊं, हमें डिस्टेंस और उसकी फंडामेंटल यूनिट के बेसिक्स को क्लियर कर लेना चाहिए। डिस्टेंस का सीधा सीधा मतलब होता है कि नहीं दो ऑब्जेक्ट्स या फिर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। इसकी फंडामेंटल यूनिट मीटर होती है। कॉन्फियरेंस जनरल देस पोएदस एट मेजरस, यानी कि CGPM फ्रांस में स्थित एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेट्स और मेजरमेंट से रिलेटेड सारे लॉज को बनाती है। साल 1983 में हुई CGPM की 17th मीटिंग में मीटर की डेफिनेशन फिक्स की गई थी, जिसके अनुसार एक मीटर हम उस रास्ते की लेंथ को कहते हैं जिसे लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करते हुए एक सेकेंड के 29,97,92,498 हिस्से में तय करती है। ऐसे 1000 मीटर्स को मिलाने पर एक किलोमीटर बनता है, 1.609 किलोमीटर्स मिलाने पर एक माइल बनता है और इस तरह कई तरह की यूनिट्स बन सकती है। अब चलिए अपने मेन पॉइंट पर वापस आते हैं और आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बताते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU को हम आमतौर पर सूरज और धरती के बीच की यूनिट के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें भी कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छिपे हुए हैं। सूरज और धरती के बीच की डिस्टेंस करीब 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड नहीं रहती है। धरती सूरज के राउंड अपनी ऑर्बिट में कभी इसके थोड़ा करीब होती है तो कभी इससे थोड़ा दूर चली जाती है। जब ये इससे सबसे करीब होती है तो हम इस इवेंट को पेरिहेलियन कहते हैं और इस दौरान सूरज और धरती की डिस्टेंस 14,70,95,000 किलोमीटर की होती है। लेकिन जब ये सबसे दूर होता है तो इसे हम एफिलियन कहते हैं और इस दौरान दोनों ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस 15,21,00,000 किलोमीटर होती है। इस तरह इसमें हमें करीब 3% का अंतर देखने को मिलता है। साल 2012 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू तय कर दी, जो 1 AU = 14,95,97,870 किलोमीटर और 700 मीटर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल हम अपने सोलर सिस्टम या फिर दूसरे सोलर सिस्टम्स के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की सूरज से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए करते हैं। एग्जांपल के लिए मर्करी और हमारे सूरज की डिस्टेंस 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वीनस और सूरज की डिस्टेंस 0.723 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। धरती और सूरज की डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और अगर वहीं पर बात करें सोलर सिस्टम की सबसे आखिरी प्लैनेट यानी कि नेपच्यून की डिस्टेंस की, तो वो है 30.06 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट पार्ट यानी कि हमारा ऊट क्लाउड करीब 2,000 से 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। अगर हम इसे 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी माने तो ये सिर्फ 0.8 लाइट ईयर्स के बराबर ही होगा। अब ऐसे में ये बात तो साफ है कि हम स्टार्स के बीच की बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी यूनिट यानी कि लाइट ईयर की। लाइट के द्वारा वैक्यूम में ट्रैवल करते हुए एक साल में जितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया जाता है उसे हम एक लाइट ईयर कहते हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर एक साल का मतलब जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 365.25 डेज है, ना कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जिसमें एक साल 365.2422 डेज के बराबर होता है। लाइट ईयर, इस यूनिट का पहला जिक्र हमें साल 1851 में जर्मनी के उस समय के एक पॉपुलर एस्ट्रोनॉमिकल आर्टिकल ओत्तो उले में मिलता है। हालांकि कई साइंटिस्ट इससे हजारों साल पहले से ही लाइट की स्पीड को खोजने में लगे हुए थे।
एक लाइट ईयर 9.46 × 10^12 किलोमीटर के बराबर होती है। लाइट की स्पीड 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड की होती है और एक जूलियन ईयर में 3,15,57,600 सेकेंड होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 लाइट ईयर की वैल्यू मिल जाती है। वैसे क्या आप लाइट की स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करने के पीछे की दिलचस्प जर्नी के बारे में जानना चाहते हो? अगर हाँ तो इसके बारे में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आए के बटन पर जरूर क्लिक कर लेना। और हाँ, उस वीडियो को जरूर देखना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो वीडियो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा देगा। अब अगर मैं एक लाइट ईयर को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में डिफाइन करूं तो 63,241.1 AU मिलकर एक लाइट ईयर को बनाता है। हमारे सबसे करीब वाला स्टार यानी कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी धरती से 4.2465 लाइट ईयर्स दूर है। हमारे मिल्की वे का डायामीटर 1,57,000 लाइट ईयर्स माना जाता है और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का टोटल डायामीटर करीब 930,16,00,000 लाइट ईयर्स है। आपने लाइट ईयर से जुड़े कुछ और टर्म्स भी सुने होंगे, जैसे कि किलो लाइट ईयर का मतलब 1,000 लाइट ईयर होता है, मेगा लाइट ईयर यानी कि 1,000,000 लाइट ईयर्स और गीगा लाइट ईयर यानी कि 1,000,000,000 लाइट ईयर्स होता है। अब आखिर में हम बात करते हैं पार्सेक की। इसे आमतौर पर यूनिवर्स की बड़ी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गैलेक्सीज और गैलेक्टिक क्लस्टर्स के बीच की डिस्टेंसेस शामिल है। पार्सेक को कैलकुलेट करने के लिए पैरालैक्स और ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि इसे लाइट ईयर से ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता है और प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमी में आपको इस यूनिट का इस्तेमाल मिलेगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस डिस्टेंस पर एक आर्क सेकेंड का एंगल बनाता है उस डिस्टेंस को हम एक पार्सेक कहते हैं। यहाँ पर आर्क सेकंड का मतलब 1 डिग्री का 3,600वां हिस्सा होता है। आपको बता दूं कि जब साइंटिस्ट धरती के किसी दूर के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो रॉ डेटा से उन्हें जो डिस्टेंस मिलती है वो हमेशा पार्सेक में ही मिलती है, जबकि उसे लाइट ईयर्स में उन्हें बाद में कैलकुलेट करना होता है। इसी चीज को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के लिए इजी बनाते हुए साल 1913 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर हर्बर्ट हॉल टर्नर ने पार्सेक वर्ड दिया था। पार्सेक, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैरेलैक्स और आर्क सेकंड। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको इसके डेफिनेशन से ही क्लियर कर चुका हूँ। एक पार्सेक लगभग 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में कहे तो 2,06,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मतलब एक पार्सेक होता है। एक पार्सेक 30,90,000 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। हमारी धरती से सबसे करीब वाला स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी की डिस्टेंस 1.3 पार्सेक्स है। हमें आसमान में नंगी आंखों से जितने भी तारे दिखते हैं वो 500 पार्सेक्स की डिस्टेंस के अंदर ही आते हैं। रात के आसमान का सबसे चमकदार तारा सीरियस धरती से 2.64 पार्सेक्स दूर है। हमारे मिल्की वे का सेंट्रल ब्लैक होल सेगिटेरियस ए स्टार हमसे 8,000 पार्सेक्स दूर है, जबकि धरती से सबसे करीब वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे 7,70,000 पार्सेक्स की दूरी पर है। 1 किलो पार्सेक्स का मतलब होता है 1,000 पार्सेक्स, 1 मेगा पार्सेक्स यानी कि 1,000,000 पार्सेक्स और 1 गीगा पार्सेक्स यानी कि 10 करोड़ पार्सेक्स होता है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर और पार्सेक के बीच का आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। वैसे क्या आप जानना चाहते हैं कि साइंटिस्ट यूनिवर्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की धरती से दूरी को कैसे फाइंड करते हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने हमारे नए चैनल अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।